अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। इसी खुशी में एक प्लांटर बनाने जा रही हूँ, नया प्लांटर जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। एक को मैंने ऑयल पेंट कर दिया है रेड कलर का, एक का मैं अभी करने जा रही हूँ ब्लैक कलर में। ये मेरा फानूस था, देखें यहाँ से ये डैमेज हो चुका है, मगर मैंने इसको डस्टबिन में जाने से बचाया है। इसको मैंने टेप से इस होल को बंद किया है, डैमेज जगह को। अब मैं इसमें ब्लैक कलर करूँगी। ये ऑयल पेंट है, आमतौर से मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सब जगह मिल जाता है। देखें इसका ये बना हुआ कितना प्यारा है, ये पाइनएप्पल डिज़ाइन में बना हुआ है। जैसे हम लोग पाइनएप्पल खाते हैं तो उसके ऊपर कैसे बने हुए होते हैं, इसके मार्क बने हुए होते हैं ना कुदरती। देखिए ये ऐसे ही बना हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि ये जब कंप्लीट होगा ये अच्छा और अच्छा से अच्छा बनेगा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने ये तैयार हो गया, इसमें मैं ब्लैक ऑयल पेंट करके मैंने इसको तैयार कर दिया है। ये मेरा प्लांटर है, डेकोरेशन के तौर पर मैंने बनाया अपने वेस्ट में। बहनों देखिए ये तैयार है, मैंने इसको अपने डाइनिंग रूम के सेंटर टेबल में इसको प्लेस किया है, और ये डेकोरेशन के तौर पे देखिए ये इस्तेमाल हो रहा है। बहनों देखिए ये दूसरा मेरा प्लांटर तैयार है, जिसमें मैंने रेड ऑयल पेंट किया है, आपने देखा होगा मैं बता चुकी थी। देखें ये एक वेस्ट मटेरियल है, इसको मैंने अपने डेकोरेशन के तौर पर तैयार किया है। इसके अंदर तैयार मिट्टी भी है, ड्रेनेज होल बना चुकी थी, इसके अंदर मैंने थर्मापोल लगाया नीचे छोटा सा काट के अंदर से और होल कर दिया। अब इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है, इसको अपने ड्राइंग रूम में टेबल में मैंने इसको रखा है, सेंटर टेबल में। देखें आपके सामने है, अच्छा लगे, पसंद आए, समझ में आए तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, अपना कीमती वक्त निकाल कर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।